गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज फंडामेंटल एनालिसिस की शेयर एकेडमी के अंदर, और ये जो प्लेलिस्ट है, शायद आपने अभी तक इनके टोटल 15 वीडियोस जो हमने डाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, ये देख रखे हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं वो है इस सीरीज़ का 17th वीडियो, और ये वीडियो है टॉप लाइन के बारे में। जिन टॉपिक्स के बारे में अभी तक हमने बात कर ली है फ्रेंड्स, उनमें है किसी भी शेयर का ओवरव्यू, साथ ही साथ उसकी बैलेंस शीट। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है टॉप लाइन। आमतौर पर आप बिजनेस चैनल्स में जो रिजल्ट सीजन होता है उसके अंदर इस शब्द को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जबकि बिजनेस चैनल्स इस चीज़ को डिस्कस करते समय बताते हैं कि किसी भी कंपनी का टॉप लाइन बढ़िया बढ़ा है, या टॉप लाइन में 15% की ग्रोथ हुई है, या टॉप लाइन के अंदर काफ़ी दबाव देखने को मिला है और टॉप लाइन में 15% की नेगेटिव ग्रोथ मिली है। सो क्वेश्चन है कि असल में ये टॉप लाइन है क्या जिसे इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इससे पहले भी हमने आपको बताया है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो शब्द हैं इन्हें हमेशा कठिन रखा जाता है, ताकि ये हर किसी की समझ में ना आए, ताकि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं उन्हीं के पास पूरे फाइनेंशियल जगत की पावर रहे। ये सिर्फ उनके लिए आसान है जो इसे सीखना चाहते हैं, ताकि मनी कंट्रोल मुट्ठी भर लोगों के पास रहे। और आज के इस सेशन में हम ये ताकत आपके हाथ में देंगे। तो चलिए देखते हैं कि असल में टॉप लाइन है क्या, और जानने के लिए सेम वही काम करना है हमें। खोलना है moneycontrol.com, मनी कंट्रोल के सर्च बार में टाइप कीजिए इन्फोसिस या कोई भी शेयर का नाम जो कि आपको पसंद है। हम सीधा इन्फोसिस ले रहे हैं, टॉप कंपनी। देन फाइनेंशियल्स में जाइए इन्फोसिस के। ओके, फाइनेंशियल्स से आपको जो सबसे पहली चीज़ मिलेगी वो है बैलेंस शीट, जो कि हमने कवर कर रखी है। बैलेंस शीट के बाद जाइए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और ये है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। और उम्मीद है फ्रेंड्स कि इससे पहले का वीडियो हमारा 16th वीडियो जो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट था, आपने वो देख रखा है। अगर वो नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है इन्फोसिस का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और यही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है जिसे बिजनेस चैनल्स रिजल्ट सीजन के दौरान डिस्कस करते हैं और आपसे कहते हैं कि कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है। तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि किसी भी कंपनी की टॉप लाइन क्या होती है, सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, नेट पर जब आप ढूंढेंगे टॉप लाइन की इंफॉर्मेशन तो वो मिलेगी। द टॉप लाइन रिफर्स टू अ कंपनीज रेवेन्यूज और ग्रॉस सेल्स, देयरफॉर व्हेन अ कंपनी हैज अ टॉप लाइन ग्रोथ द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन ग्रॉस सेल्स और रेवेन्यूज। और ये भी बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कभी भी आसान शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपके लिए बताएं आसान शब्दों में कि कंपनी की टॉप लाइन क्या है, तो कंपनी की टॉप लाइन है कि कंपनी साल दर साल अपना धंधा कितना बढ़ा रही है। दोबारा सुनिए, साल दर साल कंपनी अपना धंधा कितना बढ़ा रही है, ये है कंपनी की टॉप लाइन। अब उसमें रेवेन्यूज और उसकी टॉप लाइन और उसका बिजनेस, ये सारे कठिन शब्दों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और टॉप लाइन बेसिकली है क्या? सेल्स टर्नओवर, ये जो आपको दिख रहा है ये है कंपनी की टॉप लाइन। नाउ टॉप लाइन ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमेशा करोड़ में होती है। तो मार्च 15 में कंपनी की टॉप लाइन यानी कंपनी का धंधा था 47,000 करोड़ रुपए का, कंपनी ने कुल धंधा किया 47,300। ठीक है, हम राउंड फिगर में बात करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। मार्च 15 में कंपनी ने 47,000 करोड़ का धंधा किया, मार्च 16 में 53,000 करोड़, मार्च 17 में 60,000 करोड़, मार्च 18 में 61,000 करोड़ और मार्च 19 में 73,000 करोड़। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो कंपनी का धंधा साल दर साल लगातार बढ़ता रहा है, हर साल बढ़ रहा है 47,000, 53,000, 60,000, 61,000, 73,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि कंपनी की टॉप लाइन साल दर साल बढ़ रही है या कंपनी का धंधा साल दर साल बढ़ रहा है। अब बहुत ही मजेदार चीज है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर कोई कंपनी जो सामान बनाती है, मान लीजिए कि कार बनाती है, एक कार बेचकर अगर कंपनी 1 रुपए कमाती है, तो अगले साल अगर कंपनी 2 कार बेचे तो उसका प्रॉफिट 2 रुपए होगा। अगले साल अगर 5 कार बेचे तो प्रॉफिट 5 रुपए होगा। अगले साल 10 कार बेचे तो प्रॉफिट 10 रुपए। यानी कंपनी जितना ज्यादा माल बेचती जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे पहला नियम टॉप लाइन के साथ क्या होता है कि कंपनी की टॉप लाइन या कंपनी का धंधा साल दर साल बढ़ता हुआ होना चाहिए। आप जो भी कंपनी निवेश के लिए ढूंढ रहे हैं, उसका धंधा साल दर साल बढ़ता हुआ होना चाहिए। साल दर साल बढ़ता हुआ होना चाहिए। क्यों? अगर कंपनी का धंधा साल दर साल नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी के पास बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस कोई और छीन रहा है। क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है कि जब कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बना रही है और उसके अलावा उस कोई और दूसरी कंपनी है ही नहीं कि जो वो प्रोडक्ट बनाती हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपना धंधा नहीं बढ़ा रहे हैं तो कोई और आपका धंधा छीने ले रहा है। इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए, कंपटीशन में, कंपनियों को अपनी टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ रखनी ही पड़ती है। कंपनी की टॉप लाइन में हमेशा ग्रोथ होते रहनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया। यानी कि जो कंपनी की टॉप लाइन है या कंपनी का जो धंधा है, जैसा कि इन्फोसिस, ये साल दर साल लगातार बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी का धंधा बढ़ रहा है तभी कंपनी लगातार साल दर साल बेसिस पर आपको प्रॉफिट देती रहेगी, तब कंपनी निवेश के लायक कंपनी होगी। ठीक, जैसा कि एग्जांपल आपको इन्फोसिस के अंदर दिख रहा है। नाउ सेकंड, डाबर इंडिया, ध्यान से देखिए, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का टॉप लाइन ध्यान से देखिए, 5500 करोड़, 5800 करोड़, 5300 करोड़, 5600 करोड़, 6200 करोड़। यानी बीच में थोड़ा सा टॉप लाइन घटा है, बट उसके बाद अगेन स्टैटिक हो गया और बढ़ना शुरू हो गया है। तो किसी भी कंपनी के लिए बढ़ती हुई टॉप लाइन, या लेमैन लैंग्वेज में कहिए, कंपनी का धंधा अगर बढ़ रहा है तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ का संकेत है। अगर बढ़ती हुई टॉप लाइन कंपनी की स्ट्रेंथ का संकेत है, तो अगर टॉप लाइन घट रही है कंपनी की, तो फिर वो किस चीज़ का संकेत होगा? ध्यान से देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन, टॉप लाइन देखिएगा, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, यानी लगभग 10वां हिस्सा बचा है कंपनी का बिजनेस। एक समय जो 10,000 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो आज सिर्फ 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। लगातार घटती हुई कंपनी की टॉप लाइन पिछले 5 सालों से क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी जबरदस्त तरीके से वीक है रिलायंस कम्युनिकेशन। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी का टॉप लाइन ही देख लें तो आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली या फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स या जेपी एसोसिएट्स, 11,000 करोड़ का टॉप लाइन, देन 9,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6800 करोड़। बीच में ये थोड़ा सा बढ़ा है 1 साल के अंदर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, टॉप लाइन के अंदर आती हुई लगातार जो गिरावट है साल दर साल पिछले 4 सालों से, ये कंपनी को बेहद खराब प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती है। और ये बेसिकली इंडिकेशन है, असल में टॉप लाइन जो है कंपनी की या कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, यहां से कंपनी का बिजनेस गवर्न नहीं होता, बल्कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है ये आपको इस इंफॉर्मेशन से पता चलता है। नाउ अब इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी बहुत जरूरी है, लगातार बढ़ती हुई टॉप लाइन कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाती है, लगातार घटती हुई टॉप लाइन कंपनी की वीकनेस को दर्शाती है। हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन में अचानक से 2 गुने या 3 गुने का फर्क आ जाए, तब क्या करें हम, ये किस बात को दर्शाएगी? ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है एचईजी और ग्रेफाइट। ध्यान से देखिएगा एचईजी को, 1200 करोड़ रुपए, 900 करोड़, लगभग 900 करोड़, और यहां से अचानक से कंपनी के टॉप लाइन तकरीबन 3000 करोड़ हो जाती है, यानी 3 गुने का जंप। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि अगर किसी भी कंपनी की टॉप लाइन में यानी बिजनेस में अचानक से 2 गुने या 3 गुने का जंप आता है, तब आपको कंपनी के लिए सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? किसी भी कंपनी का धंधा बिजनेस कम्युनिटी में रातों रात या साल दर साल डबल या ट्रिपल अगर हो जाए, तो ऐसी ग्रोथ बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं होती।
जो एक नियम है कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा, वो बहुत हद तक मार्केट के अंदर लागू होता है। ग्रोथ हमेशा सस्टेनेबल होनी चाहिए। साल दर साल ग्रोथ जो है वो 20% 30% तक भी मानी जा सकती है, अच्छी होती है। लेकिन अगर साल दर साल ग्रोथ अचानक से डबल या ट्रिपल हो जाए, 3 गुना, तब आपको बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसी कंपनी से। और यही वजह है कि HEG का शेयर एक समय जो बहुत हायर लेवल पर ट्रेड करता था, वहाँ से तकरीबन हाफ हो गया है। इसलिए अगर टॉप लाइन के अंदर बहुत अनयूजुअल ग्रोथ आ जाए 2 गुने या 3 गुने की, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और उसके बाद कंपनी के चार्ट्स ज़रूर स्टडी कीजिए। सेम कंडीशन हुई है ग्रेफाइट इंडिया के अंदर, दिख रहा है आपको? टॉप लाइन देखिए, 1500 करोड़, 1400 करोड़, 1400 करोड़, अचानक से 3000 करोड़, 1400 करोड़ से डबल हो गया मार्च 17 से मार्च 18 के बीच में कंपनी का टॉप लाइन। धंधा अचानक डबल हो गया। और उसके बाद अगले साल 6700 करोड़, यहां से भी सेम डबल हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि आज की रेट में ग्रेफाइट अपने ऊपरी स्तरों से करीब करीब 60% गिर चुका है, यानी आधे से भी कम वैल्यू रह गई है कंपनी की, ग्रेफाइट इंडिया की, अपने ऊपरी स्तरों से। इसलिए ध्यान रखिए कि टॉप लाइन और कुछ नहीं है, कंपनी का सेल्स टर्नओवर है जो कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आपको दिखता है। और अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो टॉप लाइन का मतलब है कंपनी का धंधा कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। ये साल दर साल बढ़ते हुए होना चाहिए, 20 से 25% का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए ग्रोथ, तो बहुत सावधान रहना चाहिए आपको कंपनी में निवेश करने से पहले। कंपनी का टॉप लाइन हमेशा बढ़ते हुए होना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का धंधा कितनी तेज़ी से फैल रहा है। फ्रेंड्स, बिल्कुल छोटा सेशन बनाया है 11 मिनट का। उम्मीद है कि ये वीडियो न सिर्फ आपको पसंद आएगा, पसंद आने से भी ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। इस सीरीज़ का मकसद एकदम आसान भाषा में आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है ये समझाना है। बिल्कुल आसान शब्द हैं, भाषा आसान है और करने का तरीका भी आसान है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख गए और इसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ गए, तो इसके बाद आप कचरा शेयरों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। करना आपको पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताइए हमें, कुछ ऐसी कंपनियों के नाम लाइए जिनकी की टॉप लाइन लगातार गिरती हुई हो। और आपको हम सिंपल बता देते हैं, चार्ट खोल लीजिए किसी भी कंपनी का। अगर चार्ट लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड में है, यानी पिछले 3-4 सालों से डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि स्टरलाइट का चार्ट देख लीजिएगा, आरकॉम का, सुजलॉन का, ठीक है, ये सारे चार्ट डाउन ट्रेंड में हैं, तो इनके सबके टॉप लाइंस आपको हमेशा घटती हुई मिलेंगी, ठीक। और करंटली अगर आप उठा लीजिए जितनी भी ऑटो सेक्टर हैं, इनकी भी आपको टॉप लाइन घटती हुई मिलेगी साल दर साल, 1-2 साल की पिछली, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ कंपनीज के नाम दीजिए और ये बताइए कि उन कंपनीज की टॉप लाइन घटते हुए क्रम में है, ये ज़रूरी क्यों है। ये बेसिकली है प्रैक्टिस। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट के अंदर थ्योरी काम नहीं आती है, काम आता है प्रैक्टिकल। जो भी आपको हमने नॉलेज दिया, वो नॉलेज आप किस हद तक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये काम आता है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ये आपके काम आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। 70 स्टूडेंट्स हैं लर्न टू अर्न सीरीज़ के, सो मिनिमम 70 कमेंट्स हमें चाहिए इस टॉपिक पर। और कमेंट बॉक्स में 70 कंपनीज़ के नाम दीजिए, ऐसी कंपनीज जो कि हैं घटते क्रम में, जिनकी टॉप लाइन लगातार नीचे गिर रही है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का इस सेशन न सिर्फ आपको पसंद आएगा, बल्कि आपके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज भी लेकर आएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।